वायरस से दुनिया संकट में है और हर देश मौत और संक्रमण को कम करने को लेकर काफी माथापच्ची कर रहा है। जो बन सके वो कर रहा है ताकि वो अपनी जनता की जान बचा सके। ऐसे में इस बीमारी से निपट नहीं पाने पर कई देशों की मदद दूसरे शक्तिशाली देश भी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ADB पैसों से, सामानों से उन देशों की मदद कर रहे हैं और इस दुख की घड़ी में हर आदमी एक दूसरे की मदद कर रहा है। ठीक उसी तरह अगर आपको याद होगा कि इस बीमारी की शुरुआत चीन के वुहान से हुई, जहां पर इस संक्रमण से बुरा हाल था। उस दुख की घड़ी में भारत ने वुहान वासियों के लिए काफी मदद की सामग्री भेजी और अब भारत में पड़े संकट को लेकर चीन एक बार सक्रिय हुआ और अब भारत की मदद कर रहा है। इस पहल में सबसे पहले आगे आए हैं अलीबाबा के संस्थापक और चीनी उद्योगपति जैक मा, जो अपनी कंपनी अलीबाबा फाउंडेशन के जरिए भारत को मेडिकल सप्लाई भेज रहे हैं। जैक अब तक वो मेडिकल सप्लाई की तीसरी खेप दिल्ली भेज चुके हैं। यहाँ पर एक दिलचस्प बात भी बताते चलें कि भारत और चीन इस साल अपनी दोस्ती की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। मतलब ये कि भारत चीन की दोस्ती 70 साल की हो गई। चीनी विदेश मंत्री सुन विडोंग ने कोरोना को लेकर दोस्ती की नई मिसाल पेश करते हुए शुक्रवार देर रात ट्वीट किया। जैक मा और अलीबाबा फाउंडेशन की तरफ से टेस्ट किट के डोनेशन का तीसरा जत्था आज रात दिल्ली पहुंच गया और वो IRCS को उपलब्ध कराया गया। भारत और चीन के लोगों के बीच की एकजुटता से हम कोरोना जैसे खतरनाक महामारी को हरा सकते हैं। भारत ने कोरोना वायरस के शुरुआती दौर में प्रतिबंधों में ढील देते हुए चीन को सीमित मेडिकल उपकरणों के निर्यात को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही साथ 15 टन मेडिकल सप्लाई भी चीन को भेजा था और अब चीन उस किए गए एहसान का बदला चुका रहा है।